इस माया से भरी दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है, तो किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही कमाल की स्टोरी लाया हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यह कहानी है एक अमीर इंसान की, जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति और पैसा था, लेकिन वो ऊपर वाले को भी बहुत मानता था। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। वो ऊपर वाले को हर समय धन्यवाद किया करता था कि प्रभु, आपके वजह से ही मेरे पास ये सब कुछ है। आप अगर मेरे साथ ना होते तो मेरे पास कुछ भी ना होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं। ऐसे ही उसका जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता है कि एक दिन वो घूमने के लिए समुद्र किनारे जाता है। समुद्र किनारे घूमने के बाद उसे मन होता है कि बोट लेकर समुद्र के अंदर चला जाए, वहाँ से थोड़ा घूम कर आया जाए। तो उसने एक नाव को किराए पर लिया और नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ा। अभी वो थोड़ा सा ही अंदर गया था कि तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि उसकी नाव तहस नहस होने लगी। इसने फटाफट से लाइफ जैकेट पहना और कूद गया। वो तैरते तैरते कुछ घंटों बाद एक टापू पर पहुंचा। जब वो उस टापू पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले ऊपर वाले को धन्यवाद किया कि हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रभु आप मेरे साथ ना होते तो मेरी जिंदगी आज नहीं बच पाती। अब आपने ही मुझे यहाँ पहुँचाया है, तो आप ही मुझे आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। ये बोलकर वो वहीं रहने लगा। भूख लगी तो उसने थोड़ा इधर उधर ढूंढा तो उसे उस टापू पर कुछ फल मिल गए, तो उसने फल खा लिए। अब यही उसका डेली का रूटीन बन गया था। अगले 10-15 दिन तक वो रोज उठता, ऊपर वाले से प्रार्थना करता कि किसी को यहाँ भेज दीजिए जो मुझे यहाँ से बचा कर ले जाए। उसका भरोसा थोड़ा कम हो रहा था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, लेकिन उसे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर किसी न किसी को उसकी मदद के लिए भेजेंगे। अब उसे उस टापू पर काफी दिन हो चुके थे, तो वो सोचता है कि चलो एक झोपड़ी बना लिया जाए कि कम से कम रात तो झोपड़ी में बीतेगी। वो टापू पर लकड़ियों को इकट्ठा कर झोपड़ी बनाने में लग गया। 3 से 4 दिन में उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। उस झोपड़ी को बनाने के बाद वो उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था कि चलो अब आज इसके अंदर सोने को मिलेगा। ये सब वो सोच ही रहा था कि मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी, और तभी आसमान से एक बिजली गिरी, जोरदार आवाज आई और वो जो झोपड़ी थी वो जलकर खाक होने लगी। अब उस आदमी का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, इतनी मेहनत से मैंने एक झोपड़ी तैयार की और आपने उसे भी नष्ट कर दिया। उसका दिमाग खराब होने लगा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो उसे दिखता है कि समुद्र किनारे 2 लोग एक नाव लेकर खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि आ जाओ, हम आपको लेने आए हैं। जब वो उनके पास जाता है तो वो कहते हैं, हमने दूर से देखा कि टापू पर एक झोपड़ी जल रहा है, तब हमें लगा कि कोई इंसान शायद अपनी झोपड़ी जलाकर हमें अपनी मदद के लिए बुला रहा है। ये जलती हुई झोपड़ी देखकर ही हम यहाँ आए हैं। वो अमीर आदमी आसमान की तरफ देखता हुआ ऊपर वाले से माफी मांगते हुए कहता है कि प्रभु, आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई कि कोई मेरी जान बचाने के लिए यहाँ आ सके। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको अपशब्द कहे। मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, क्योंकि आपने तो अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। प्रभु, आप बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है, खास करके उन लोगों को जिन्हें लगता है कि ऊपर वाला मेरा साथ नहीं दे रहा है। भरोसा रखे, वो आपका साथ जरूर देंगे, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय देना ना भूले।